बताऊंगा दोस्तों कि ये स्कूटर क्यों बाय करना चाहिए, ओला S1 Pro, और क्यों नहीं बाय। इन केस ऑफ अगर उसकी बैटरी खराब हो जाती है किसी कारण से, कुछ भी इशू हो जाए, गारंटी आउट हो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये देखो स्पोर्ट्स कार चला रहा है गधा कहीं का। सो दोस्तों वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों आप लोग कैसे, आई होप आप सब सही होंगे। सो दोस्तों आज हम जा रहे हैं बड़ी स्पेशल जगह, कौन सा पर आपको क्यों बताऊं, चलो यार बता देते हैं, सस्पेंड किया रखना। सो दोस्तों हम जा रहे हैं देखने ओला स्कूटर, कहां इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर देखने। सो दोस्तों देखते हैं, उसके रिव्यू भी बताएंगे आपको, दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। फटाफट निकलते हैं, अपना टाइम खराब नहीं करते हैं, चलते, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको वहीं पे। सो गाइस अभी हम आए हुए थे शोरूम में आके हमने ओला की स्कूटर की यहाँ पे टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं ओला स्कूटर की। ओला स्कूटर भाई साहब बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ा आ गया, सही बताऊँ उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के स्कूटर बहुत बढ़िया है, सही बताऊँ। मुझे लगता है वाकई में बंदे को बाइक करना चाहिए, स्कूटर बाइक करना चाहिए, क्यों, इसमें भाई साहब सारे तरह के मोड हैं और फुल पावर, मैं कहता हूँ कार वाली पावर है स्कूटर के अंदर, सही बताऊँ मन खुश हो गया। 0 to 100 ऐसे जा रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, हाथ से छुट के बाहर है, इतनी पावर है इसके अंदर, स्कूटर फाड़ है दोस्तों। मैं इस स्कूटर का आपको सारा रिव्यू भी दूंगा कि भाई साहब स्कूटर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको मैं अच्छे से बताऊंगा दोस्तों कि ये स्कूटर क्यों बाय करना चाहिए, ओला S1 Pro, और क्यों नहीं बाय करना चाहिए। आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको इसकी सारी फुल डिटेल, फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। सो दोस्तों फाइनली हम घर आ गए, हाथ मुंह धोए, भाई साहब बहुत गर्मी थी, सही है, हाथ मुंह धोने के बाद दोस्तों आपसे बात कर रहा हूँ, सही बताओ बैंड बज गई। लेकिन दोस्तों आज हम देखने गए थे ओला स्कूटर देखने, तो दोस्तों बैटरी वाला स्कूटर देखा, इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो पहले मैंने देखा जुपिटर वगैरह, फिर मैंने कहा चलो इसका भी रिव्यू देखते हैं क्योंकि मैं बुक कराने वाला हूँ नया स्कूटर। सो दोस्तों इसी चक्कर में मैंने देखा, वहाँ पे चलाया, उसे टेस्ट ड्राइव ली, उसे सारी चीज़ें समझी और कई चीज़ें मुझे कन्फ्यूजन था बैटरी के ऊपर। और दोस्तों मैं आपको भी बताता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है कि लोग कहते हैं कि, पहले मुझे भी कन्फ्यूजन थी कि उसमें कहते हैं कि भैया की जो बैटरी है ना, वो बैटरी 6 साल के बाद 5 साल में उसकी गारंटी खत्म, उसके बाद क्या स्कूटर डेड हो जाएगा। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, स्कूटर डेड नहीं होगा, इन केस ऑफ अगर उसकी बैटरी खराब हो जाती है किसी कारण से, कुछ भी इशू हो जाए, गारंटी आउट हो जाए, खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके अंदर सेल्स गलते हैं, छोटे छोटे सेल्स जैसे होते हैं ना, उस बैटरी के अंदर एक सेल्स होते हैं, वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो 280 या 260 रुपए का एक सेल होता है, मतलब सारे सेल तो इम्पॉसिबल है, 300 साढ़े 300 ऐसे कुछ सेल्स होते हैं, इम्पॉसिबल है कि सारे एक साथ खराब हो जाए, वो तो भगवान ही उतर के नीचे उतर के आ जाता है, तो बात एक अलग है, कुदरती किस्मत ही खराब हो, लेकिन ऐसा 99.9% नहीं है, उसके सेल्स खराब होते हैं, वो टाइम के साथ आप 280 या 260 रुपए का एक सेल डलवाते रहो तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, साथ साथ चेक कराते रहो, कभी मतलब 2-3 साल में इशू लगे, ड्रॉप होने का, कुछ होने का, किलोमीटर्स वगैरह, तो दोस्तों उसके अंदर आप करा सकते हो, तो उसके अंदर आपके सेल्स वगैरह चेंज होते रहेंगे, तो उसके अंदर आपको दिक्कत किसी भी तरीके की दोस्तों नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप ले सकते हैं, पर इसके अंदर रेंज और प्राइस का दोनों में डिफरेंसेस हैं, S1 S Pro, तो दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, पर ये जानबूझ के होशियारी मारी जाती है कंपनी की, ज़्यादा पैसे तरीका लेने का तरीका, 5,000 का डिफरेंस है, पर मेरे हिसाब से S1 लेना बेवकूफ़ी है, S1 Pro ही लो, क्योंकि 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, सारा कट पिटने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 का उसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, और फोर्थ मोड होता है जो हाइपर राइड का, वो मिस हो जाता है, और दोस्तों हाइपर राइड का ही मजा है, क्योंकि मैंने आज उसकी ड्राइव भी ली और खूब चलाया, खूब मस्ती की, मज़ा आया खूब, सही बताऊँ आपको दोस्तों, बस यही है कि उसको टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी प्लास्टिक की मतलब वाइजर वगैरह मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार उसके अंदर जल्दी अगर गिर गया तो वो जल्दी टूटेगा, बस उसमें ये माइनस पॉइंट मुझे सारा, क्योंकि प्रॉपर प्लास्टिक ही है, भले अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो या लो क्वालिटी का हो, लेकिन प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है, किसी भी टाइप का हो, गिरेगा तो वो टूटेगा ही टूटेगा, जैसे लोहे का, जैसे जुपिटर हो गया या फिर एक्टिवा हो गया, इन सारी चीज़ों में ये चीज़ ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये ड्रॉबैक है कि प्रॉपर उन्होंने प्लास्टिक ही हर चीज़ दी है, भले अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, ये माइनस पॉइंट है। सो दोस्तों अगर आपको कुछ और भी पूछना हो, कुछ मैं मिस कर गया हूँ, तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों अभी फिलहाल कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं स्कूटर के चक्कर में आज सारा दिन बिजी था, तो दोस्तों अभी कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है दोस्तों।
सो दोस्तों खाना पीना खा लिया है, खाना पीना खाने के बाद अब एक काम करते हैं, मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि इसलिए गंदी टी शर्ट पहनी है क्योंकि दोस्तों बियर्ड सेट कराते हैं, बहुत बुरा हाल है आज तो सच में बताऊं तो। दोस्तों चलते हैं पहले अपना फेस वूज अच्छा करा के आते हैं, चमका के आते हैं, ठीक है दोस्तों चलते हैं पहले यहाँ से। सही है दोस्तों, अब हम थक गए, अब हम बाहर आए हैं दोस्तों घूमने, यहाँ पे कुछ मैटर अलग ही चल रहा है बेसिकली। क्या मैटर चल रहा है अब मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाता हूँ, कुछ अलग ही मैटर चल रहा है। ये देख रहे हो इन दोनों का मैटर चल रहा है जबरदस्त वाला और अच्छा मैटर चल रहा है। नहीं ये देखो ये बड़ा अच्छा मैटर चल रहा है, ये दोनों बड़े अच्छे भाई। तो गाइस ये दोनों बेसिकली बचपन के दोस्त हैं। ये यार अब्यूज लैंग्वेज क्या होती है, यू ब्लडी इडियट। सो गाइस फुल बकैती भरने के बाद अब हम घर से बाहर निकले हैं क्योंकि दोस्तों के साथ फुल मस्ती मार रहे, फुल एंजॉय किया, खाया पिया, बकैती इतनी भरी कि सर में दर्द कर दिया। दोस्तों अब फाइनली रात को एक्चुअली को थोड़ा सामान लेने निकला हूँ आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने के लिए, क्या क्या आइसक्रीम खाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं घर, यहाँ से निकलते हैं। ये देखो स्पोर्ट्स कार चला रहा है, गधा कहीं का सुपर कार। सो दोस्तों हमने आइसक्रीम वगैरह खरीद ली, अब आइसक्रीम खरीदने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर। सो दोस्तों अब चलते हैं घर, आप इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो मेरे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना तो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हो और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो।